अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम टू आर्ट ऑफ कुकिंग यूट्यूब चैनल। तो आज आपके लिए एक बहुत ही ज़बरदस्त सी नान खटाई की रेसिपी लेकर आई हूँ, जिसे मैं बगैर अवन के पतीले में बनाऊँगी। बहुत ही सिंपल से इंग्रेडिएंट इसमें इस्तेमाल करेंगे और बेकरी से कई गुना बेहतर आज हम इसे घर पर बनाकर तैयार करेंगे। तो उसके लिए आपने रेसिपी को फुल वॉच करना है। तो चलें आज की रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो नान खटाई बनाने के लिए सबसे पहले बादाम को रोस्ट करेंगे। तो यहाँ पे मैंने 20 से 25 बादाम ले लिए थे, जिन्हें मैंने सेंटर से कट करके दो हिस्सों में डिवाइड कर लिया था। अब हम इन्हें रोस्ट करेंगे। 2 से 3 मिनट के लिए मीडियम टू लो फ्लेम पे बादाम को ड्राई रोस्ट करेंगे। तो देखिए बादाम अच्छे से रोस्ट हो चुके हैं। अब हम फ्लेम को ऑफ कर देंगे और बादामों को ठंडा कर लेंगे। तो जब तक हमारे बादाम ठंडे हो रहे हैं, उतनी देर तक हम नान खटाई का मिक्सचर बना लेते हैं। तो उसके लिए यहाँ एक बाउल में मैंने ली है 1 कप पिसी हुई चीनी। फिर इसमें ऐड करेंगे 1 कप घी, कोई भी वनस्पति घी आप इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। अब यहाँ इन दोनों चीज़ों को हैंड विस्क के साथ 3 से 4 मिनट के लिए बीट करेंगे। इतना इसे यहाँ पे इन दोनों चीज़ों को अच्छे से बीट करेंगे कि ये वाइट क्रीमी सा टेक्सचर बन जाए। तो देखिए तकरीबन 4 मिनट इन दोनों चीज़ों को बीट करने के बाद इसका टेक्स्चर क्रीमी और फ्लफी सा हो गया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 कप मैदा। छान के मैदे को इसमें इस्तेमाल करेंगे। मैदा ऐड करने के बाद अब इसमें ऐड करेंगे 3 टेबलस्पून बेसन, 2 टेबलस्पून इसमें ऐड करेंगे सूजी, 2 टीस्पून इसमें जाएगा बेकिंग पाउडर, 1 टीस्पून इसमें ऐड करेंगे इलायची पाउडर। अब जो बादाम हमने रोस्ट किए थे, आधे बादाम हम इस टाइम पे इसमें ऐड कर देंगे और आधों को बचा कर रख लेंगे। अब हल्के हाथ से इन सारी चीज़ों को मिक्स करेंगे और इसे एक डो फॉर्म में ले आएंगे। तो देखिए इस तरह से बिल्कुल हल्के हाथ से आपने इसे गूंदना है। तो देखिए कुछ इस तरह से इसकी डो जो है वो बननी चाहिए। अब हम इस मिक्सचर को तकरीबन 15 मिनट के लिए फ्रिज में रख देंगे। तो 15 मिनट इस मिक्सचर को फ्रिज में रखने के बाद अब हम इसकी नान खटाइयां बनाएंगे। तो थोड़ा सा मिक्सचर लेंगे और उसको नान खटाई की शेप दे लेंगे। तो देखिए इस तरह से सभी नान खटाइयां बनाकर तैयार कर लेंगे। अब यहाँ पे मैंने एक बेकिंग ट्रे ली है, इसके ऊपर बटर पेपर रखेंगे। इस बटर पेपर को ऑयल से ग्रीस करने की ज़रूरत नहीं है, सिंपल इसी तरह से इसको बेकिंग ट्रे के ऊपर रखेंगे और एक एक करके सारी नान खटाइयों को इस पे रखते जाएंगे। अब यहाँ मैंने एक अंडे की जर्दी ली है, इसे फेंट लेंगे और ब्रश की मदद से इस अंडे की जर्दी को सारी नान खटाइयों पर लगा लेंगे। अंडे की जर्दी लगाने के बाद अब जो बादाम हमने रोस्ट करके रखे थे, एक एक करके वो बादाम जो है वो इन नान खटाइयों पे लगाते जाएंगे और हल्का सा इन्हें प्रेस कर देंगे। अब इन नान खटाइयों को हम बगैर अवन के कढ़ाही में बनाएंगे। तो उसके लिए यहाँ पे मैंने एक कढ़ाही की बेस में पहले थोड़ा सा नमक बिछा दिया था। अब हम इस कढ़ाही को ऊपर से कवर करेंगे और तकरीबन 15 मिनट के लिए प्री हीट करेंगे। 15 मिनट कढ़ाही को गर्म करने के बाद अब इसमें एक जाली स्टैंड रखेंगे और बेकिंग ट्रे को इसके ऊपर रख देंगे। अब कढ़ाही को ऊपर से कवर करेंगे और तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए नान खटाइयों को मीडियम टू लो फ्लेम पे बेक करेंगे। तो देखिए तकरीबन 20 मिनट के बाद हमारी खस्ता नान खटाइयां बनकर बिल्कुल तैयार हैं। अब यहाँ मैं आपको बता दूं कि आप इन नान खटाइयों को स्टोर भी कर सकते हैं। तो स्टोर करने का तरीका ये है कि आप पहले इन नान खटाइयों को अच्छे से ठंडा कर लें और फिर किसी भी एयर टाइट कंटेनर में डालकर आप इन्हें 15 से 20 दिन के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। एयर टाइट कंटेनर में डालकर आप इन्हें रूम टेम्परेचर पे रहने दें, ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगी। तो देखिए आप इसका टेक्सचर देख सकते हैं कि कितनी खस्ता ये नान खटाई बनकर तैयार हुई है और इसे हमने बगैर अवन के पतीले में बनाकर तैयार किया है। तो अगर आपको मेरी ये बेकरी स्टाइल नान खटाई की रेसिपी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर कर दें। साथ ही अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर कर दें, ताकि इस तरह की क्विक और ईजी रेसिपीज़ आपको देखने को मिल सकें। नेक्स्ट रेसिपी तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।